हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन द फंडामेंटल क्लाउड सिक्योरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट इसमें देखे थे नंबर्स ऑफ बेसिक टर्म्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ एन सिक्योरिटी पर्पस। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, दिस इज द थ्रेड एजेंट। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ कौन कौन से थ्रेड एजेंट इस सिक्योरिटी के अंदर होने वाले, नंबर्स ऑफ थ्रेड एजेंट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट का पॉइंट्स आपने मिस कर दिया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या जो आई बटन है वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज इट मीन बाय अ थ्रेड एजेंट? ओके, थ्रेड एजेंट इज एन एंटिटी दैट पोजेस द थ्रेड बिकॉज ऑफ इट इज अ कैपेबल टू कैरी आउट एन अटैक फॉर एन स्पेसिफिक अटैक पर्पज। एक कोई तो एक्शन परफॉर्म करने वाली कोई भी एंटिटी हो सकती है, वो एक स्पेसिफिक अटैक यहाँ पे परफॉर्म करने वाले बाय यूजिंग एंड कैरिंग अ कोड ऑफ डेटा, लाइन्स ऑफ कोड या कोई एक नॉर्मल थिंग्स। ओके, जैसे कि क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेड्स कैन बी ओरिजिनेटेड आइदर इंटरनली और एन एक्सटर्नली। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल मीन्स वॉट, क्या उसके अंदर हो सकता है? Internally in the sense by using a software program and externally means from a specific human being. Okay, so human being in the sense जो external factor होगा उसके accordingly thread agent generate या thread agent हम उसको consider करेंगे, या internal in the sense कोई software के अंदर changes होंगे, configuration के changes होंगे, उसके accordingly A होने वाला है। एक फॉरन करस्पॉन्डिंग थ्रेड एजेंट इज डिस्क्राइब इन दिस सेक्शन। ओके, इस सेक्शन के अंदर हमने सभी कवर करिए। द रोल ऑफ एन थ्रेड एजेंट इज अज्यूम फॉर ए रिलेशनशिप विद एन वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इज नथिंग बट अ वीकनेस ऑफ एन योर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, देन थ्रेड्स एंड रिस्क। ओके, तीन चीज़ें हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ को रिलेटेड करने वाले, वल्नरेबिलिटी, थ्रेड एंड रिस्क। ओके, इसके अकॉर्डिंगली ये सभी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, यहाँ पे सेफ गार्ड एस्टैब्लिश करना है फॉर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ओके, फॉर एन सिक्योरिटी पर्पज ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम देखते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आपको डायग्राम देख के पता चल रहा होगा कि क्या इसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, तो सिंपल डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पे। तो डायग्राम के अंदर क्या क्या है, डायग्राम का नेम जैसे कि हम दे सकते हैं, हाउ अ सिक्योरिटी पॉलिसी एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म आर यूज्ड टू काउंटर अ थ्रेड वल्नरेबिलिटी रिस्क बाय अ थ्रेड एजेंट। ओके, तो कौन कौन यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर? फर्स्ट, जो क्लाउड सर्विस ओनर या क्लाउड कंज्यूमर या क्लाउड प्रोवाइडर, फर्स्ट जैसे जो मैन का सिंबल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली, देन सिक्योरिटी पॉलिसीज। ओके, तो वाई यूजिंग एन सिक्योरिटी पॉलिसी हम क्या करेंगे, जो थ्रेड एजेंट हो गया, थ्रेड कंज्यूमर, क्लाउड कंज्यूमर ओनर्स, क्लाउड ओनर या क्लाउड प्रोवाइडर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वॉन्ट टू सिक्योरिटी want to reduce this। तो अभी देख सकते कि फर्स्ट है कि जो क्लाउड कंज्यूमर ओनर होगा want to protect assets, जो नंबर्स ऑफ assets हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए, या आई टी रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या कवर होगा, जितने भी नंबर्स ऑफ आई टी रिसोर्सेज, रैम, रोम या जो PCs, लैपटॉप, इन नंबर्स ऑफ जो आई टी रिसोर्सेज है सभी हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। देन सेकेंड, want to reduce a risk, जो रिड्यूस है उसको कम करना है। एंड थर्ड एस इज एस्टैब्लिश काउंटर मेजर्स। ओके, काउंटर मेजर क्यों हमें अप्लाई करना है या सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्यों एस्टैब्लिश करना है, अगेन फॉर रिड्यूसिंग रिस्क एंड रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी। ओके, सो ये हो गया। देन लास्ट फोर्थ क्या काम करने वाले, सिक्योरिटी पॉलिसी रेगुलेट या सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करने वाले हमारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर, क्यू फॉर एन रिड्यूसिंग रिस्क एंड रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी। देन सेकेंड पार्ट क्या होता है इस डायग्राम के अंदर, जैसे कि थ्रेड एजेंट इन द सेंस वर्म, वायरसेस और अटैकर्स, ये क्या यहाँ पे टास्क करने वाले,
पोजेस द थ्रेट्स, थ्रेट्स क्रिएट करने वाले, थ्रेट्स क्यू क्रिएट करने वाले फॉर एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी, जो वीकनेस होगा आपके एप्लीकेशन का या जो वीक पॉइंट होगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रेट्स क्रिएट करेंगे फॉर एन इंक्रीजिंग रिस्क। तो वल्नरेबिलिटी लीड टू लीक्स की इफ वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट होगा या एप्लीकेशन होगा उसके अंदर रिस्क इंक्रीज हो सकते हैं। रिस्क इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी लॉस हो सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस हो सकती है, इंटीग्रिटी लॉस हो सकती है, इज नथिंग बट अ रिस्क टू अ आईटी रिसोर्सेस असेट्स के ऊपर, वो डायरेक्टली ये जो आपका डेटा है उसके ऊपर अप्लाई होने वाली है। देन थ्रेड एजेंट क्या और टास्क करता है, वॉन्ट टू अब्यूज और कॉज द लॉस डेटा। कि थ्रेड एजेंट क्या करेगा, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी अवेलेबिलिटी या इंटीग्रिटी जो हमें लॉस करनी है उस पर्पज के लिए हम थ्रेड एजेंट यहाँ पे यूज करने वाले। ओके, तो सिंपल इस मैकेनिज्म थ्रू जो आपका थ्रेड एजेंट एंड जो क्लाउड कंज्यूमर, इन दोनों का रिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपल यही दोनों अपना खुद का काम करते रहेंगे, एक जो क्लाउड ओनर होगा, क्लाउड कंज्यूमर होगा, वो क्लाउड डेटा को प्रोटेक्ट करने का टास्क करेगा, सिक्योरिटी अप्लाई करता रहेगा। थ्रेड एजेंट जो हैकर होगा या कोई थर्ड पर्सन होगा तो क्या करेगा, इस जो क्लाउड की सिक्योरिटी को उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करेगा एंड वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। ओके, तो क्लाउड कंज्यूमर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करेगा एंड उसके ऊपर पैच लगाने की कोशिश करेगा जिसके थ्रू उसकी जो सिक्योरिटी है यहाँ पे हम मेंटेन रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा थ्रेड एजेंट वर्क करने वाला है। भाई इसके अंदर देन नंबर्स ऑफ डिफरेंट थ्रेड एजेंट थे, तो वन बाय वन हर एक एजेंट देखते हैं इसके अंदर कि हर एक एजेंट क्या टास्क परफॉर्म करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स देखते हैं नंबर्स ऑफ डिफरेंट थ्रेड एजेंट। तो फर्स्ट थ्रेड एजेंट इज नथिंग बट एनोनिमी अटैकर। ओके, द एनोनिमी अटैकर इज ए नॉन ट्रस्टेड क्लाउड सर्विस कंज्यूमर विदाउट परमिशन इन द क्लाउड। एक सेम जो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर ही होने वाला है बट विदाउट परमिशन, वो क्या करेगा, क्लाउड को एक्सेस करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली क्लाउड के ऊपर अटैक परफॉर्म करने वाला है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू उसका नोटेशन भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, स्क्वेयर एंड उसके अंदर एक सिंबल। ओके, and it is a typically existing as an external software program that launch on a network level attacker to a public network. So jo anonymous attacks honge wo yahan pe kiske through perform hone wale, via an external software program on a network, public network. Okay, when the anonymous attackers have limited information on a security policy and defense, it can be inhibit their ability to format effective attack. कि उनके अकॉर्डिंगली जिनकी जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन उनके पास होगी सिक्योरिटी की, तो लिमिटेड ही यहाँ पे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। Therefore, the anonymous attacker obtain a resort and committing the attack like bypassing the username and password. Okay? तो जो यूज़र अकाउंट होगा उसको क्या करेगा, स्टीलिंग करने का ट्राई करेगा, या यूज़र क्रेडेंशियल होगा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी अटैक परफॉर्म करने वाला, अटैक यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। देन नेक्स्ट थ्रेड एजेंट दैट इज अ मलिशियस सर्विस एजेंट। ओके, इन अ मलिशियस सर्विस एजेंट इज एबल टू इंटरसेप्ट एंड फॉरवर्ड द नेटवर्क ट्रैफिक टू द फ्लो within a cloud. Okay, जो cloud के अंदर जो भी flow होगा, एक specifically network flow generate करने के लिए या forward करने के purpose के लिए malicious service agent हम use करेंगे। It is typically exist as an service agent with a compromised and malicious logic. कि जो आपका normal logic था उसको क्या हो गया, यहाँ पे compromised हो गया या malicious logic के अंदर convert हो गया, तो अकॉर्डिंग टू जो अटैकर्स की लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म होने वाला है। इट मे ऑल्सो एग्जिस्ट एज एन एक्सटर्नल प्रोग्राम
एनेबल टू रिमोटली इंटरसेप्ट एंड पोटेंशियल करप्ट मैसेज कंटेंट। तो जो नॉर्मल फ्लो था उसके अंदर जो डेटा था, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे कि करप्ट हो गए, करप्ट होने की वजह से जो भी नंबर्स ऑफ चेंजेस उसके अंदर है हो गए एंड जो आपका एक्चुअल लॉजिक है यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, दैट इज एन ट्रस्टेड अटैक। इन अ ट्रस्टेड अटैकर इज एन शेयर आईटी रिसोर्सेज इन अ सेम क्लाउड एनवायरनमेंट एट द क्लाउड कंज्यूमर्स एंड अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट अ लेजिटिमेट क्रेडेंशियल टू टारगेट ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड द क्लाउड टेनेंटी विथ होम दे आर शेयर आईटी रिसोर्सेज। कि जैसे कि जो नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज है हमारे, ओके, तो सेम एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होने वाला है जो क्लाउड कंज्यूमर या क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये क्या करेगा, जितने भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट हमारे एक्चुअल यूजर है, क्या एक्चुअल क्लाउड कंज्यूमर्स है, उनकी लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पे एक्सेस करने के ट्राई करेगा। दैट इज एन ट्रस्टेड अटैकर। कि हमने ट्रस्ट करके एक स्पेसिफिक हमारे क्लाउड के अंदर किसी को एक्सेस प्रोवाइड किया है, बट वो क्या करेगा, अटैक करेगा कि आपका जो ट्रस्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली या ट्रस्टेड बाउंड्रीज के अंदर जो क्लाउड होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अटैक परफॉर्म करने वाला है। द ट्रस्टेड अटैकर इज ऑल्सो नोन एज मलिशियस टेंडेंट। इट कैन यूज टू क्लाउड बेस्ड आईटी रिसोर्सेज फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कि जो ट्रस्टेड बाउंड्रीज के अंदर क्या करेगा, जो वीक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगी या वीक या फॉर एन ब्रेकिंग एंड इंक्रिप्शन पर्पज, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक पर्पज, देन स्पैमिंग मेल के इन नंबर्स ऑफ अटैक्स बाय यूजिंग एन ट्रस्टेड अटैकर यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, दैट इज एन मलिशियस इनसाइडर। ओके, मलिशियस इनसाइडर आर द ह्यूमन थ्रेड एजेंट दैट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ इन रिलेशन टू द क्लाउड प्रोवाइडर। ओके, दे आर टिपिकली करंट और अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ अ थर्ड पार्टी विथ एक्सेस द क्लाउड प्रोवाइडर प्रीमाइसेस। दिस टाइप्स ऑफ थ्रेड एजेंट आर कैरी अ डैमेज पोटेंशियल एज द मलिशियस इनसाइडर मे हैव द एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविजन फॉर एक्सेसिंग अ क्लाउड कंज्यूमिंग आई टी रिसोर्सेज। एक कोई होने वाला है कि जो एक्चुअल आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स होंगे उनके रिलेशन के अंदर, या क्लाउड कंज्यूमर्स हो सकते हैं कि उनके रिलेशन थ्रू आपको डेटा एक्सेस करेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक्सेस करने वाले। एंड उसका नोटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि ह्यूमन सिंबल विथ एन ऑप्शनल यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका थ्रेड एजेंट। ओके, थ्रेड एजेंट के अंदर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा, या आपको कोई टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपको वीडियो रिक्वायर है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।